तो फाइनली भाई देखो आधा मुंह खुल गया इसका, मतलब बम्पर निकल गया इसका। अब ये देखो बिना बम्पर के गाड़ी में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो भाई काफ़ी ज़्यादा गैप है, ये तो फिट नहीं बैठेगा, ऐसे नरवाल ही जाना पड़ेगा, अखनूर में तो कहीं से होने से रहा। तो फाइनली भाई दूसरी जगह जा रहे हैं, जुगाड़ लगवा रहे हैं है। तो कुछ ऐसी लुक अच्छी लग रही है, बट बम्पर से काफ़ी अच्छी निखर के लुक आएगी, और मेटल का बम्पर है तो हमें ऑफ रोडिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके व्लॉग। तो फाइनली जो मोस्ट अवेटेड मोमेंट थी वो हो चुकी है, अपने सफारी का ऑफ रोड बम्पर हमें मिल चुका है, बस अब इसको एक बार हम तरीके से तैयार करवा के लगवा दें। बम्पर आप देख सकते हो, बम्पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी अच्छे से तैयार हुआ है, और ये बम्पर है भाई अपनी फॉर्चुनर का, हमारे बड़े भैया साहिल भैया की फॉर्चुनर का बम्पर है ये, और मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके ये लग जाएगा अपनी सफारी को, तो बस उसी का वेट है। और ये कस्टमाइज़ हम अखनूर में ही करवा लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर से मैं पिछले आई थिंक एक मंथ से मैं अखनूर में ही हूँ, तो उस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड पर भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो एक बार मेटल बम्पर लग गया तो मैं वहीं पे भी थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर सकता हूँ, और अपने ग्रुप के साथ भी ज्वाइन कर सकता हूँ। एक एक्सट्रीम ऑफ रोड की वजह से मैं इस वजह से एक्सट्रीम ऑफ रोड नहीं कर पाता था, क्योंकि गाड़ी में प्लास्टिक बम्पर था और उसका टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता था मुझे, और गाड़ी को मैं एक अच्छी लुक भी नहीं दे पा रहा था। तो बस अब भाई अब जब ये तैयार हो जाएगा तो उसके बाद तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी आसान, तो बस अब इसी का वेट है। तो सामान काफ़ी ज़्यादा गाड़ी में लगाया हुआ है, बट बम्पर आपको दिख रहा होगा, बम्पर बड़ी मुश्किल से हमने एडजस्ट करके फिट किया है, और इसके अंदर पत्ती भी है भाई विंच की, कि विंच अगर हमें लगानी हो तो विंच का भी अब जुगाड़ बन चुका है। बाकी भाई अब विंच भी देख लेंगे और गाड़ी को अब तैयार करेंगे अच्छी सी प्रॉपर ऑफ रोडर में। भाई बाइक पर चलना बंद हो गए और विजिबिलिटी होगी जीरो, दिख ही कुछ नहीं रहा यार, मतलब बहुत बुरी हालत है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। चक्कर है कि इसमें चूहा घुस गया हुआ था, कुछ खाने का सामान पड़ा हुआ था, उस वजह से उसने वायरिंग काट दी कुछ, और वायरिंग का अभी पता लग रहा है कि भाई वो वायरिंग है वाइपर की, जितनी बार ठीक करवाओ कोई ना कोई पंगा आ ही जाता है, लाइफ ऐसी है। अब कोई जुगाड़ है नहीं, हम धीरे धीरे चला सकते हैं, यही जुगाड़ है, किसी इलेक्ट्रिशियन को दिखा के ये काम करवाना पड़ेगा, अब ये तो ज़रूरी हो चुका है। देखो भाई कुछ नहीं दिख रहा, कैसे गाड़ी चलाएं, सवारी का बम्पर चेंज करवा। तो भाई देखो अभी तो बम्पर खोल के चेक करने लगे हैं कि इसको आएगा फिट या नहीं, ये वाला बम्पर खुलेगा और वो पड़ा है बम्पर अपना मेटल का, पहले गाड़ी वहाँ पर लगाई थी, वहाँ पर धूप है तो इसलिए अब छाँव में लगाई है, ऐसे इस साइड भी छाँव कम है, बट ये जब बम्पर निकल जाएगा तो मेटल के बम्पर पे कलर करवाने का फ़ायदा भी है, क्योंकि उसकी अपनी लुक है और वो ऑफ रोड के पर्पज़ से भी सही है। तो फाइनली भाई देखो आधा मुंह खुल गया इसका, मतलब बम्पर निकल गया इसका। अब ये देखो बिना बम्पर की गाड़ी में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, कुछ ज़्यादा पेंट कराने वाला नहीं है, गाड़ी एकदम टॉप नॉच है बिना बम्पर के। जब वो वाला बम्पर लग जाएगा तो मैं उसको पेंट करवा लूँगा गाड़ी के कलर का, जिससे कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम नहीं बनेगी पकड़ होने में। वैसे तो हमें पकड़ने के लिए उनके पास पहले ही बड़े ज़्यादा है, वो देखो टायर बाहर है, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो भाई काफ़ी ज़्यादा गैप है, ये तो फिट नहीं बैठेगा, ऐसे नरवाल ही जाना पड़ेगा, अखनूर में तो कहीं से होने से रहा, टेस्टिंग करके देख लिया बट एक साइड से बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा आगे है, वो ग्रिल भी नहीं आएगी फिट, तो उस हिसाब से कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा, बट देखते हैं क्या जुगाड़ बनता है, फिर उसी हिसाब से इसको करेंगे ठीक। तो भाई बम्पर में तो है गैप काफ़ी ज़्यादा, तो बम्पर हमने फिर से लोड कर लिया पीछे ही, और अभी हम एक दो जगह पे दिखाएंगे, अगर कोई कर पाता है थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होगी, और एक मतलब परफेक्ट डेंटर ही ये काम कर पाएगा, बट यहाँ पे अखनूर में तो मुश्किल है ये काम हो पाए, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा, अगर यहीं पे हो जाए तो बेटर है, यहाँ मेरी आंखों के सामने होगा, वरना मुझे पूरा दिन जम्मू रहना पड़ेगा, नरवाल में ये काम हो सकता है वैसे, बट स्टिल देखते हैं, अगर यहाँ पर हो जाए तो बेटर है, वरना यार काफ़ी ज़्यादा सीन क्रिएट हो जाएगा, बट देखते हैं अगर हो जाए तो सही। यहाँ पे डेंटर भी काफ़ी गिने चुने ही हैं, एक दो डेंटर हैं जो कि थोड़ा अच्छा काम करते हैं, जो एक डेंटर है उन्होंने तो भाई सीधा सीधा मना कर दिया कि नहीं मुझसे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग वाला काम है, कटर की ज़रूरत पड़ेगी, वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इतना टाइम नहीं है, तीन चार गाड़ियाँ उनके पास लगी हुई हैं, तो अभी तो फ़िलहाल हम करेंगे इस प्रोजेक्ट को, देखते हैं आगे, बम्पर मेरे पास ही है, लग जाए तो बेटर है। भाई हम दूसरी लोकेशन पे आ चुके हैं, एक जगह पे तो रिजेक्शन मिल चुकी है, अब दूसरी जगह पे आ चुके हैं, भैया कह रहे हैं कि मैं 3 बजे काम शुरू करूंगा, तब आप आ जाना,
तब देखते हैं क्या होता है। और सेटिंग क्या मुश्किल हो रही है क्योंकि ये फॉर्च्यूनर का बम्पर है, तो इस पर थोड़ा बहुत तो कस्टमाइजेशन होगी अगर इसको सफारी पे फिट करना है। बट एक बार फिट हो गया तो भाई बहुत ख़तरनाक लगेगी सफारी। ऐसी भी अच्छी लग रही है बट बम्पर से काफ़ी अच्छी निखर के लुक आएगी, और मेटल का बम्पर है तो हमें ऑफ रोडिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, काम कराना बहुत मुश्किल होगा। अभी तो खाना खाने का टाइम हो रहा है इनका, तो काफ़ी वेट करना पड़ेगा 1-1.5 घंटा। चलो आज तो काम करवा के जाएंगे वापस। फाइनली भाई दूसरी जगह जा रहे हैं, जुगाड़ लगवा रहे हैं, तो कुछ ऐसी लुक है। ठीक है बट जरा अगे ही जा रहा है, कट करना पड़ना फिर इन्ना इन्ना है ठीक है। दूसरी लोकेशन पे जहाँ पे इसको अभी सुराग होंगे, छेद होने के बाद इसको प्रॉपर फिनिशिंग मिलेगी। क्योंकि छेद होंगे तो इसकी हमें एक प्रॉपर जगह पता चल जाएगी कहाँ है। ये देखो हमने कितनी बार गिरा दिया कि ये तोड़ भी दिया है, बट इसको भी पेंट शेंट होगा तो हमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, उसके कारण हमें ज़्यादा चक्कर नहीं बनेगा। बाकी अभी डिस्कस हो रहा है कि कहाँ पे सुराग कैसे करने हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट से सुराग होंगे तो ही बनेगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। बाकी आप बिना बम्पर के गाड़ी देखो कितनी सही लग रही है, तो इसीलिए मैं ये वाला बम्पर डलवा रहा हूँ, क्योंकि वो वाला बम्पर ठीक करवाने से तो बेटर है कि ये वाला हम डलवा दें, एक्यूरेसी में काम हो जाएगा। तो बस अब करने लगे हैं शुरू काम, तो होप सो सब ठीक से हो जाए। तो फाइनली काम हो रहा है शुरू, सुराग की प्रक्रिया हो रही है शुरू। अभी हमें ऋषभ भाई मिले, कहते हैं हम कहीं जा रहे हैं, कहते हैं जम्मू अखनूर से, तुम्हारा नहीं अखनूर हमारा भी है, हमारे भी रिश्तेदार यहाँ पर रहते हैं। मैं ठीक है जी, आपका भी है। तो बस अभी ये काम चल रहा है बम्पर की, आपको एक फाइनल लुक दिखा देंगे। साइड सुराग हो गया, यहाँ पे अपने को कुछ स्टिकरिंग करनी पड़ेगी, जब तक इसको कलर नहीं हो जाता तब तक तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, बट जब कलर हो गया तब कोई सीन नहीं है, इतनी देर तो जुगाड़ होगा। तो चलो भाई दूसरी साइड भी सुराग हो रहा है, लेट्स सी। प्रॉपर फिनिशिंग में गाड़ी बहुत जबर लगने वाली है भाई, बस फिर उसके बाद इसकी एक लाइट डलवानी है, लाइट डल जाएगी तो गाड़ी प्रॉपर बन जाएगी, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं बचा। भाई अंदर वाली साइड सुराग हो रही है, ये पहले स्पॉट कर रहे हैं कि कनेक्शन दे रहे हैं पाइप पर, उसके बाद वहाँ पर सुराग होंगे और वही सुराग इधर नटों पे लगाएंगे, जिससे कि इसका चेसी माउंटेड हो जाएगा। तो एक बार चेसी माउंट हो गया फिर तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, फिर इतनी इजीली निकलेगा नहीं बम्पर, और मतलब अच्छे से हो जाएगा काम सारा सेट। तो सुराग काफ़ी बड़े बड़े किए जा रहे हैं क्योंकि एक्यूरेसी नहीं मिलती, इसलिए एडजस्टमेंट बन जाएगी इससे प्रॉपर, तो बिल्कुल सेट रहेगा काम। भाई फाइनल लुक देखो, अब ये सुराग आगे इसका कुछ कराना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है गोली के निशान, बट बाकी यार अब गाड़ी मारने में मजा आएगा। जे कोई साइड नहीं ना दे ठल और क्या, ना दो साइड हम खुद ले लेंगे। भाई ऑलमोस्ट एक अच्छी सी लुक आ रही है, गाड़ी लग रही है कसम से खतरनाक, बस यहाँ पे थोड़ी सी टेपिंग करनी पड़ेगी जहाँ पे सुराग है। तो भाई गाड़ी लग रही है एकदम खतरनाक, बस यहाँ पे टेपिंग करनी पड़ेगी जहाँ पे सुराग है, और इतना सही बम्पर था ये फॉर्च्यूनर को भी नहीं लग रहा था। ये तो साहिल भाई अभी कमेंट में बता देंगे मुझे, कितना खतरनाक था, फॉर्च्यूनर को भी नहीं लग रहा था जितना सही इसको लग रहा है। आपने गाड़ी देख ही ली थी, अब साइड से भी आपको दिखा देते हैं, मतलब साइड से आपने देख ली, सॉरी फ्रंट से भी आपको दिखा देते हैं गाड़ी कैसी लग रही है। बाकी गाड़ी की लुक तो भाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है, पीछे से तो कुछ करवाया नहीं है, बट जो भी है गाड़ी अब एक अच्छी, मतलब थोड़ी ऐसे लग रहा है कि थोड़ी कम हो गई है गाड़ी, आगे से काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती थी, ब्रॉड लगती थी,
आज गाड़ी काफ़ी कॉम्पैक्ट सी लग रही है और अच्छी लग रही है। बाकी अब इसके लिए फॉग लैंप्स वगैरह लेने पड़ेंगे, उसका है। तो चलो फाइनली काम ख़त्म। सो फाइनली भाई सारा काम कंप्लीट हो गया। ये देखो नीचे लग गया है, बम्पर लग गया हुआ, नंबर प्लेट भी लग गई है और वो ट्रॉक वगैरह बंद करवा के और नीचे बार लाइट लगवा के अब गाड़ी हो गई कंप्लीट। थोड़ी लाइटिंग और होगी अभी, जैसे फॉग लैंप लगने हैं, थोड़ा थोड़ा काम और रहता है, बट स्टिल ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। तो अभी हम निकल रहे हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जो छोटा मोटा काम है भाई, मैं अपना अखनूर से जो करवाता हूँ वो करवाता हूँ, सुबह से काम सही से हो जाता सारा। और ये देखो कितना पावरफुल इंजन है। देखो एक्यूरेसी रखते हैं भाई पूरी, ये छोटे छोटे सुराग में रेडियम लगा दी, पता भी नहीं लग रहा, देखो यहाँ से दिख भी नहीं रहा, अब इतना लग रहा है, पूरी डिटेलिंग वाला काम है, पता ही ना लगे पूरा। वाह भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ गाड़ी अब कैसी लग रही है। बाकी अब यहाँ पे एक एंटीना लगना है, उसके लिए जगह छोड़ी हुई है जो कि पूरा ऊपर तक लगेगा। बाकी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। सो देखो भाई, तो फाइनली भाई बम्पर हो गया सेट, गाड़ी लग रही खतरनाक। बस अब उसमें नंबर प्लेट ऐड ऑन करानी है और गाड़ी का कलर जो है ना, उस कलर का बम्पर कराना है, क्योंकि ऐसे ऑड तो नहीं लग रहा कह सकते हैं, बट पुलिस वालों की नज़र में जल्दी आ जाएगा, ऐसे अलग से दिखेगा। और ऊपर से मेटल बम्पर है, अलाउड नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि चलान हो या गाड़ी वगैरह सीज हो, तो इसलिए मैं उसको कलर करवा दूंगा। होपफुली एक दो दिन में कलर भी हो जाएगा। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और सफारी की ये जो मतलब अब हम नेक्स्ट लेवल इसको एक बनाने वाले हैं ऑफ रोडर, काफ़ी देर बीच में गैप रहा, मैं भी ऑफ रोडिंग नहीं कर रहा था, बट अब जैसे धीरे धीरे काम होगा वैसे वैसे ऑफ रोडिंग की वीडियोज़ भी आपको दिखती जाएंगी। तो चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो भाई लोग।